अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तकबाल। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप अच्छे होंगे। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। मैं इस मौजू के साथ, इस मसले के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। अगर किसी मरहूम के नाम से कुर्बानी करी है तो वो गोश्त घर वाले खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? देखिए, इसमें दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि या तो वो मरहूम कह के इंतकाल करे हैं कि मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, या उन्होंने कहा नहीं, आप ख़ुद ही उनके नाम से कुर्बानी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने वालिद के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं और वालिद का इंतकाल हो गया है, तो या तो वालिद आपके कह के गए हैं कि बेटा मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, या वो कह के नहीं गए हैं, आप ख़ुद ही कुर्बानी कर रहे हैं। अगर आप ख़ुद ही कुर्बानी कर रहे हैं तो उस गोश्त को घर वाले सब खा सकते हैं, और उस गोश्त का वही हुक्म है, यानी उसके तीन हिस्से किए जाएँ, एक गरीब व फ़कीरों को, एक दोस्त अहबाब को, एक घर वाले, उसका वही हुक्म है। कौन से का? कि जब आपके वालिद इंतकाल करे हैं लेकिन कह के नहीं गए, आप खुशी से उनके नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, और अगर वो इंतकाल करते वक्त ये कह के गए कि मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, तो फिर ये उनकी वसीयत हो गई। तो वसीयत पर अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर हुक्म यह है कि इस गोश्त को घर वाले ना खाएं, ये पूरे का पूरा गोश्त सदका कर दिया जाए। चाहे आपने बड़े जानवर में हिस्सा लिया हो तो उसमें जितना मिला हो वो सब तकसीम कर दें। आपने अगर छोटा जानवर किया है, बकरा वगैरह किया है, बकरी वगैरह की है, तो पूरी की पूरी सदका कर दें, यानी उनके नाम से जो आपने कुर्बानी की है वो आपको पूरी सदका करनी पड़ेगी। कब? जबकि वो वसीयत करके गए हों, और वसीयत करके नहीं गए, बगैर वसीयत के आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उस गोश्त को अपने घर में भी खा सकते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात रहती है कि नहीं, मरहूम के नाम से जो कुर्बानी की जाएगी वो तो खा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। हाँ, उस वक्त का हुक्म है जब वो वसीयत की हो, और जब वसीयत उन्होंने की ही नहीं, आप अपनी खुशी से उनके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, तो उसको घर में खाना बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।